तुम गुरु नाल ना मजा ना, हाँ हाँ गुरु नाल मजा है जय गुरु जी शो क्यों नहीं कर रहा है पता नहीं शो नहीं कर रहा है बिना गुरु गुरु जी की मर्जी के कुछ भी नहीं होता है जय गुरु जी जय गुरु जी आंटी जय गुरु जी सभी संगत अगर मैं अगर मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ मुझे एक थम्स अप करके मैसेज कर दीजिए प्लीज़ कोई मुझे दिख मुझे मैसेज नहीं दिख रहे हैं अगर मैं आप लोग को दिखाई नहीं हो रहा ना हो गया हो गया ओ, जब तक तो कोई मैसेज नहीं आते हैं तब तक मुझे लगता है कि मैं जय गुरु जी सभी संगत यस ओके जय गुरु जी गुरु जी को मेरा लख लक शुक्राना थैंक यू थैंक यू अंकल थैंक यू देवेंद्र अंकल जय गुरु जी अंकल जय गुरु जी आंटी सभी संगत को जय गुरु जी सभी संगत कैसे मैं निशा सिंह लखनऊ से आपके सामने मुझे फिर गुरु जी महाराज ने सत्संग करने की सेवा दी है आज और जब भी मुझे सत्संग करने के लिए आंटी या अंकल कोई भी अगर मुझे फ़ोन करके एकदम बोलते हैं कि निशा जी आप सत्संग करेंगे तो मैं हमेशा बोल देती हूँ गुरु जी का आदेश है मैं ज़रूर ज़रूर जरूर करूंगी सत्संग कल आंटी का फोन आया था मेरे पास और आंटी ने कहा था कल निशा जी आप सत्संग करेंगे मुझे पता था कि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है मैंने हाँ कर दी थी लेकिन मैं डर गई थी मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ मेरा शूट था और अभी मैं मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है तो मैंने आंटी को फोन करके कहा कि आंटी मेरा सत्संग थोड़ा आ, लेट करवा लीजिए आठ बजे या नेक करा लीजिए कल करा लीजिए मत तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी तो आंटी ने ना कह तो गुरु जी फिर मैंने कहा कि ठीक है गुरु जी अगर चाहते हैं कि मैं सत्संग करूं तो गुरु जी ने मुझे एनर्जी दी और मैं अभी उठी और मैंने एक कप चाय पी और मैं मैंने बोला अब गुरु जी ही संभालेंगे गुरु जी के आदेश के बिना आपका एक पत्ता भी नहीं हिलता सभी संगत को पता है तो बिना गुरु जी महाराज की मर्जी से मैं सत्संग कोई सत्संग नहीं कर सकता उनका नाम भी नहीं ले सकता तो सब मालिक की मर्जी है मा, मालिक ने मेरे जो थोड़ा सा अच्छा कर दिया और मैं आपके साथ के सामने आ गई तो शुक्राना मेरे मालिक लख लख शुक्राना गुरु महाराज बहुत दिनों बाद आई हूँ दिवाली के बाद के बाद अभी आई हूँ थोड़ा सा बिजी थी बट गुरु जी महाराज का सत्संग करने का जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बहुत खुश होती हूँ सो so, सभी संगत को एक बार फिर से मेरा निशा सिंह का प्रणाम, गुरु जी को तो मेरे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटी कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना और सभी संगत आप लोग कैसे हैं नया साल साल ख़त्म होने वाला है गुरु महाराज ने इतने प्यार से हमारा ये पूरा साल अच्छा अच्छा निकाला है आगे भी सबका ये साल आने वाला सबका साल अच्छा जाए कुछ ही दिन बचे हैं मैं अभी अभी आपको अपना रिसेंट का एक सत्संग शेयर करती हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी 2019 में और फिर कनेक्ट मैं हुई मेरी डॉटर हुई मेरे हस्बैंड हुए लेकिन मेरी फैमिली में जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ पर कोई गुरुजी को नहीं जानता लखनऊ में तो मैं बोलती बहुत हूँ बट एक एक मेरी मेरे हस्बैंड की ब्रदर की छोटी वाली वाइफ है वो कनेक्ट हुई है गुरु से वो भी उतना नहीं हुई है मैंने उनको स्वरूप दिया बट एक और जो थर्ड वाली है थर्ड वाली मेरी सिस्टर ना तो उन्होंने ये मेरा एक छोटा सा सत्संग बन जाता है क्योंकि रिसेंट का है तो वो गुरु जी को जब मैंने उनको बताया था उसकी लाइफ में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती थी उनके हस्बैंड भी लाइक ड्रिंक व्रिंक करते थे तो वो बड़ी परेशान थी तो मैंने उसको कहा कि हम लोग की लाइफ में गुरु जी महाराज आ गए हैं और हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी कट रही है तो ये पूरा साल भी अच्छा निकला है तो उसने मेरे ड्राइंग रूम में गुरु जी की स्वरूप लगा हुआ तो उन्होंने एकदम से जैसे मैंने पहले जब मेरे पास मेरी सिस्टर ने गुरु महाराज का स्वरूप दिखाया था फर्स्ट टाइम मोबाइल में तो मेरा भी रिएक्शन ये था कि ये कैसे भगवान हैं ये कैसे ड्रेस ड्रेसअप किए हुए हैं इतना अजीब सा ड्रेसअप तो सेम आ, मैंने तो थोड़ा ऐसे बोला लेकिन उसने वो उसने मेरी दौरानी ने एकदम एग्जैक्टली एक ऐसे बोला ये ये गुरु जी हैं तो ये कैसे गुरु जी हैं मैंने कहा भगवान है बोलते हैं हम लोग ये सब नहीं मानते हैं तो उसने ऐसे बोला ठीक है जो नहीं मानता है तो उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि गुरु गुरु महाराज की मर्जी होती है तो उसके बाद फिर मेरे पास जो स्वरूप आए थे दिवाली के आसपास मैंने अपनी दूसरी दौरानी जिसने मानना स्टार्ट किया मैंने उनको तो दिया लेकिन इनको नहीं दिया मैंने स्वरूप भी नहीं दिए मैंने कहा जो नहीं मानता है मैं गुरु जी का स्वरूप उनको नहीं गिफ़्ट करूँगी तो ठीक है नहीं मानते लेकिन मैं हमेशा बोलती रहती थी कि गुरु जी की वजह से ऐसा हो रहा है हमारी लाइफ में गुरु जी का ऐसा तो उसको लगता था कि ये बहुत फेंकती है ये कैसी बातें करती है आजकल ऐसा कहाँ होता है वो हमेशा मतलब उसको ऐसा फील होता था कि हम लोग पता नहीं कहाँ गुरु गुरु के चक्कर में पड़ गए हैं और अपना पता पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं उसको वो ज़्यादा अपने आप शायद उसकी लाइफ में वो लोग कुछ लोग होते हैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो अपने तो आपको वो समझते कि नहीं ये सब चीज़ें होती नहीं है भगवान उन्हें लगता है ही नहीं लेकिन आ, सच्चाई ये है कि आ, जो ये संगत फील कर सकती है क्योंकि जो गुरु जी के इतने करीब जा चुकी है गुरु जी का गुरु जी को फील कर चुकी है गुरु जी का प्रेम हम फील करते हैं गुरु जी को हम जान चुके हैं कि गुरु जी क्या हैं पल पल हमारे साथ है तो हमें पता है गुरु जी है। और हम वो विश्वास गुरु जी ने हमें खुद दिलाया है तो हमें मिला है उस उसको भी ये मेहर उसके ऊपर नहीं हुई है इसलिए उसने वो ऐसे बिहेव करती है कि लाइक कौन गुरु जी और ये लेकिन उस अभी रिसेंट में ऐसा हुआ कि जब वो नहीं मान रही है ठीक है ना माने इसके बट अभी घर में ऐसा कुछ हुआ कि uh, कुछ प्रॉब्लम्स आई फैमिली uh, में तो हमारे इन uh, लॉज नहीं रहे दोनों ने मम्मी भी नहीं रही और पापा भी नहीं रहे तो हम लोगों को सब सबको एक साथ uh, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज़ के लिए सब भाइयों को जुड़ना था संडे के दिन तो सब बैठे तो कुछ बातों में ऑबियसली हिंदुस्तान इंडिया में लाइक like, सबका हो जाता है कि अगर जहाँ प्रॉपर्टी और ये सब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसमें कुछ कहाँ मतलब मेरी और उनकी कुछ बहस बहस नहीं लाइक like, उन्होंने मतलब मुझे ऐसा लगा कुछ उ, बोल दिया था उन्होंने जो हमें थोड़ा सा हर्ट हुआ था तो अब हम चूंकि गुरु वाले हो गए तो अगर हमें कोई सामने से बुरा भी बोल देता है तो हम कहते हैं गुरु महाराज इस ओके उसको आप इतना दीजिए मैं उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी हम गुरु वाले हैं हम हमेशा क्षमा करेंगे क्योंकि हम दिल से अपना चुके हैं सबको और ये चेंजेस मेरे गुरुजी से मिलने के बाद मिले बट उनके ऊपर ये मेहर नहीं हुई है तो वो उन्होंने हमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो जब हम सब एक सौ इकट्ठे जुड़े थे तो मैंने सबके लिए चाय बनाई चाय प्रसाद तो मैं बनाती हूँ गुरुजी जी को पिछड़ाती हूँ तो पूरी फैमिली के लिए हम लोग काफ़ी बड़ी फैमिली है चार भाई चार बहुएँ सबकी तो मैंने सबके लिए चाय चाय बनाई तो शाम के टाइम तो मेरे दिमाग में आया कि जैसे हम लोग पॉजिटिव हो गए हैं जैसे हम लोग के थॉट्स इतने अच्छे हो गए हैं तो ये सारे के सारे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स घर में ना आए मैं सबकी चाय में जल प्रसाद मिला देती हूँ ताकि सब पॉजिटिव सोचे सबके ऊपर गुरु महाराज का कल्याण हो जाए तो एक ऐसा मैंने सोचा और तो मैंने क्या किया मेरी आदत है कि मेरे दिल में कोई बात रहती नहीं है तो मैंने चाय प्रसाद बनाई और जब ड्राइंग रूम में जाके सबके सामने सबको चाय बोला सबने चाय उठा ली वो जो दौरानी थी जिसको एक दिन पहले उसने मुझसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था उसने वो चाय नहीं ले रही थी तो मैंने उसको कहा कि अगर तुम चाय नहीं लोगी तो मैं समझ जाऊंगी तुम उससे अभी मतलब तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार नहीं है अभी भी कुछ है तो तुम चाय नहीं लोगी अगर थोड़ा सा भी अगर दिल से निकाल दिया है उस बात को कल वाली तो आप चाय ले लोगे तो उसने बड़े बेमन से वो चाय उठा ली वो चाय उठा के जैसे ही वो पीने लगी तो मेरे दिल में ना जैसे कोई बात रहती नहीं है मैं फटक से सबके सामने बोली पता है मैंने ना इसमें जल प्रसाद मिला दिया है गुरु जी का अब ना सब पॉजिटिव हो जाएंगे पूरी फैमिली में तो और तो सब सब इतनी बड़ी फैमिली है सबका कोई रिएक्शन नहीं था ठीक है भाभी ने जल प्रसाद गुरु भाभी किसी गुरु जी के में प्यार में एकदम पागल है लेकिन वो दौरानी एग्जैक्टली एकदम कप लेके ऐसे बोली कि ओ oh गॉड मुझे पता होता कि आपने इसमें चाय जो कुछ मिलाया है गुरु जी का तो मैं कभी नहीं पीती मुझे इतना अंदर से मतलब तकलीफ़ हुई कि मैंने तो गुरु महाराज की चाय को कोई मतलब बुरा बोल रहा है आई एम सॉरी मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई कि मैंने गुरु महाराज की इंसल्ट करा दी मैंने उसके कप उसके हाथ से छीना और कप छीनने के बाद सडनली वो चाय मैंने जल्दी से उसके हाथ से अपनी पी ली मैंने कहा मेरे गुरु महाराज की चाय के तुम काबिल नहीं हो मैंने उसको एग्जैक्टली exactly यही बोला और बोलने के बाद सॉरी सॉरी तो मैंने वो चाय उसके हाथ से छीनी और मैंने पी ली मैंने कहा तुम इसके तुम बहुत गलत काम कर रही हो मैंने गुरु महाराज से माफी मांगी गुरु महाराज मैंने एक ऐसे इंसान को आपको जल प्रसाद वाली चाय दे दी जो आपको आप तिरस्कार कर रही मुझे प्लीज़ माफ़ करना मैंने ये बोला गुरु महाराज तो गुरु महाराज है और गुरु गुरु मैं थोड़ी इमोशनल इसलिए हो गई हूँ कि आजकल थोड़ा सा मैं थोड़ा टेंशन में रहती हूँ फैमिली को कुछ कुछ लेके तो गुरु महाराज तो गुरु महाराज है गुरु महाराज को शायद उनको फील कराना था कि आपने जो भी करा है वो गलत करा है गुरु महाराज तो देख लेते हैं कि जो जो गुरु महाराज को उल्टा सीधा लाइफ में बोलता है उसके बाद भी गुरु महाराज दिखा देते हैं कि मैं हूँ अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं वो रात हमारी निकल गई बात खत्म हो गई सबकी हम लोगों की सबकी बात ख़त्म हो गई ये देन उसके बाद वो अब कहीं नेक्स्ट डे कहीं चली गई अब क्या होता है नेक्स्ट डे जब वो आती है तो मैं उसके पास फिर जाती हूँ मैं उसको कहती हूँ कि उससे चाय का दो ही सिप पिया था उसकी चाय छीन के मैंने पी ली कि मैं उसके क्या ब्राइटन कैमरा वेव नाइस सत्संग पता नहीं कैमरा ब्रांड नहीं नहीं ब्रांड का ब्रांड ये बाहर के चक्कर लो बेटा इधर एक मिनट प्लीज चक्कर तो आ, मैंने नेक्स्ट डे जब वो आई तो मैंने उसके पास फिर शाम को गई वो कहीं गई पूरी फैमिली के साथ कहीं गई थी बच्चों में सच नहीं 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 ओके okay, तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ आज और तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ तो आ, मैंने आ, उसको कहा नेक्स्ट डे फिर मैं उसके रूम में गई मैंने नॉक नॉक किया मैंने कहा प्रतिभा तुम मुझे बस इतना बता दो तुमने मुझसे उल्टा सीधा कहा अगर तुम एक्सेप्ट उसने मुझसे एकदम ही मतलब एकदम टोटली उस, उसकी पर्सनालिटी चेंज होके वो कहती है मुझसे जो एक दिन पहले जो जो बात हुई थी वो मैं सबके सामने शेयर नहीं कर सकती लेकिन जो बात उसने मुझसे कही थी और जो सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और उसने मुझसे उल्टा सीधा कह दिया था लेकिन वो नेक्स्ट डे जल थोड़ी सी चाय पी चाय प्रसाद इसलिए मिलाया था कि सब पूरे घर में गुरुजी सबके दिल और दिमाग पे छा जाए सबको पॉजिटिव कर दे जैसे मुझे अच्छा कर दिया सबको मेरी नीयत सिर्फ ये थी मेरे पास जल प्रसाद इतना ही ऐसा रह गया है तो मैं अपना जल प्रसाद जल्दी किसी को देना भी नहीं चाहती हूँ और मैंने सिर्फ चाय में जल प्रसाद इसलिए मिलाया कि सब पॉजिटिव हो जाए सब प्यार से रहें कोई भी प्रॉपर्टी और किसी चीज़ को लेकर झगड़ा झगड़ा ना करें सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहे मेरा यही दिमाग में था बट उसने सोच लिया जैसे मैंने कुछ मिला दिया अब नेक्स्ट डे जब मैं उसके कमरे में गई मैंने बोला कि उस बात को ऐसे मैंने कहा अरे कोई बात नहीं हम लोग नहीं बुरा माना वो उसकी पर्सनालिटी जो एक दिन पहले उसका एटीट्यूड जो इतना गंदा था मेरे प्रति आ, वो आ, तो एक्चुअली उसका एटीट्यूड तो इसलिए भी होगा मैं फ्रेंडली वो खुद मजिस्ट्रेड है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है कुछ लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो उसको उनको लगता है कि हमारे आगे कोई नहीं है ऐसा थॉट्स है वो कमरे से बाहर आई और उनसे कहती है हाथ जोड़ के भाभी आई एम सॉरी मैंने कहा इसको क्या हुआ मैं इसे क्लियर करने गई थी भाभी आई एम सॉरी कल की बात जाने दीजिए मुझे माफ़ करिए और गुरु जी की कसम उसके मुंह से लिटरली जो कहती है ये गुरुजी कौन गुरुजी वो कहती है उसके कहते हैं ना गुरु जी का नाम तो आप उनकी बिना मर्जी से ले भी नहीं सकते हो वो मेरी दौरानी प्रतिभा वो मुझसे कहती है जिस कि गुरु जी की कसम मेरे गुरु मेरे फिर से मैं सॉरी मैं गुरु जी एक बार संगत ने किसी ने कह दिया था कि मैसेज आया था आप ये मत बोला कि मेरे गुरु जी हो सबके गुरु जी सबके गुरु जी बट मेरे भी गुरु जी मेरे अपने प्यारे गुरु जी उसने कहा कि आ, मैं आपके गुरु आ, उसने ऐसे बोला मैं आपके गुरुजी की कसम खा के बोलती हूँ आज के बाद भाभी मैं कभी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी और मुझे माफ कर दीजिए जो, जो गलती हो गई आज के बाद कभी ऐसे नहीं होगी हम सब प्यार से रहेंगे मैं बाहर आई मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि यार वो तो माफी मांग रही है वो माफी मांगने वाली इंसान है तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चाय प्रसाद में जो जल प्रसाद नहीं मिलाया था चाय में जल प्रसाद मिलाया था ये उसका असर है मैं इतनी खुश हुई मैंने कहा अरे जल प्रसाद का असर ऐसा हो गया और कल जब हम लोग फिर हम लोग सैटरडे संडे ही मिल पाते हैं क्योंकि सबकी पोस्टिंग बाहर बाहर रहती है तो सैटरडे संडे ही हम लोग मिल पाते हैं कल जब वो आई थी तो उसने उसके मुंह से ये निकला कि भाभी जो आप कहते हो ना कि आ, बड़े मंदिर बड़े मंदिर क्या हम सब साथ चले तो मेरे तो और होश उड़ गए मैंने कहा इसके मुंह से ये वर्ड निकला एक चाय में छोटा सा जल प्रसाद मिलाया सिर्फ इसलिए कि लड़ाई झगड़ा ना हो किसी वजह से और वो कह रही है कि हम सब मतलब पूरा फैमिली चले बड़े मंदिर तो देख लीजिए गुरु महाराज का क्या है कि जो गुरु महाराज के लिए थोड़ा सा भी उल्टा सीधा बोलेगा और हमें पागल समझेगा पता नहीं क्या गुरु के चक्कर में पड़ गई है और 24 घंटा गुरुजी 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 करती रहती है गुरुजी हमें मैं हमेशा ना एक्चुअली ऐसे बोलती हूँ कि पता है मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को कुछ जानने से पहले गुरु का पता चल जाता है मेरे को गुरु मैसेज पर बता देते हैं तो लोग मुझे पागल समझते हैं मेरे घर में क्योंकि जो लोग गुरुजी से कनेक्ट नहीं होते तो मुझे सच, सच रियली पागल समझते हैं या सोचते है, फेंकती है तो जब गुरुजी के बारे में इनको ये नहीं पता है कि गुरुजी जी महाराज के मंदिर जाने के बाद इंसान किस तरह से दीवाना होता है वो दीवानगी जो हम मुझे हुई थी मेरी बेटी को हुई थी मेरे हस्बैंड को अब तक नहीं हुई मेरे हस्बैंड को बिना गए हुई है अभी जब जाएंगे पहली बार तो और ज्यादा हो जाएगी वो इन्होंने सिर्फ जल प्रसाद की चाय पीने के बाद उनकी पर्सनैलिटी चेंज हुई तो ये चीज बहुत बड़ी बात हुई तो जब मुझे आंटी ने कहा तो मैंने कहा एक छोटा सा सत्संग मेरा बन गया मैं जरूर अपनी दौरानी की बात शेयर करूंगी कि मैं ये वाला मेरा सत्संग बना मैं जरूर शेयर करूंगी गुरु महाराज के चमत्कार इतने ज़्यादा होते हैं और फिर कल रात को मुझे और खुशी हुई क्योंकि हम लोग संडे संडे सब जुड़ते हैं फैमिली में तो कुछ चीज़ें हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूट भी हुई छोटी छोटी चीज़ें होती है तो हाँ उसमें क्या हुआ एक छोटा छोटा चो� सा सिवलिंग था क्रिस्टल का तो वो आ, मेरी आ, मदर इन लॉ के उसमें से निकला किसी चीज़ में से तो जब कुछ भी चीज़ें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो वो सिवलिंग जो था वो मेरे डॉगी ने छुपा लिया था मेरा छोटा सा लासा डॉगी है वो एक पॉलिथीन बैग के अंदर था और मेरे डॉगी ने वो बाकी सब लोग अच्छा सामान ले रहे थे एक्सपेंसिव सामान बांट रहे थे और मेरे डॉगी ने हम लोग को पता भी नहीं चला उसने वो छोटी सी प्ला पॉलिथीन वो छुपा ली होगी अब मैं कल रात को जब कहीं से आई तो मैं ड्राइंग रूम में बैठी और मैंने मेरी बेटी से कहा तो कि ये क्या है ये तो कह रही मम्मी पता नहीं जोई मेरी डॉगी का नाम जोई है जोई के मुंह से निकला है मैंने कहा ये जोई के मुंह से निकला है तो मैंने कहा इसमें तो लग रही बहुत बड़ी रिंग है मैंने जैसे ही ऐसे खोल के देखा तो उसमें देखा क्रिस्टल के एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ ये बात क्रिस्टल के शिवलिंग अब देखिए मैं इतने दिनों से थोड़ी परेशान हो रही थी और ये बाकी सब कुछ जिसको गोल्ड चाहिए वो गोल्ड ले ले जिसको जो, जो चाहिए ले मुझे भी लेकिन गुरु महाराज ने मुझे ये प्रेजेंस फील कराई कि तू टेंशन मत लिया कर पुत्र मैं तेरे नाल उसका प्रेजेंस ये फील कराई कि कल ये सब बातें हो रही थी और एक आंटी का फोन सबके बीच में बातचीत हो रही थी और आंटी का, आंटी का जिनका पेज है आंटी का फोन आया कि आप सत्संग करोगे सत्संग का मना मैं कभी मना नहीं करती मुझे सत्संग सत्संग के जैसे ऑफर आते तो मुझे लगता है कि गुरु ने मुझे आदेश दिया है एक गुरुजी ने मुझे प्रेजेंस ये फील कराई कि सत्संग करो तो सत्संग करने से तो मुझे लगता है गुरुजी का मेरा कल्याण होता है गुरुजी मेरे कर्म काटते हैं कर्म बीच बीच में थोड़े थोड़े बुरे हो जाते होंगे वो काट देते हैं क्योंकि लेकिन गुरु महाराज ने गुरु महाराज ने मुझे ये मैंने इसको इतने ज़्यादा मैंने अपने माथे पे लगाया मैंने मुझे शिवलिंग घर के क्रिस्टल वो मेरे डॉगी ने छुपा लिया था मैंने इसको जल्दी से धोया मैं गुरुजी के पास आया मैंने शुक्राना गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज आपने तो मुझे बड़ी कीमती चीज़ दी है ये कहाँ मेरे किस जन्म कहाँ किस टाइम का रहा होगा मेरी मदर इन लोग का टाइम का होगा उन्होंने उन्होंने कहाँ रखा था वो मुझे मिलना था हर इंसान के भाग्य में किसी को कुछ मिला किसी को कुछ मिला लेकिन मुझे तो मुझे भी बहुत कुछ मिला लेकिन साथ में मुझे गुरु का शिवलिंग मिला तो मैं बहुत बहुत खुश हुई तो Uh, मेरी uh, कभी ना कभी थोड़ा सा भी अगर ऐसा नहीं है हम गुरु महाराज से जुड़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आती है गुरु महाराज से जुड़ने के बाद हमें बस हमें uh, सब ज्यादा तो इस बताने वाली बात नहीं सबको पता है गुरु महाराज हमारे साथ ऐसा कर देते हैं कि हम किसी भी परेशानी को अच्छे से फेस कर लेते हैं थोड़ा सा दुख हो जाता है वो भी हम फेस कर लेते हैं लेकिन गुरु महाराज के चमत्कार ऐसे होते हैं कि हम थोड़े दो मिनट पहले अगर दुखी होते हैं तो चार मिनट बाद हम बहुत ज़्यादा सुखी हो जाते हैं तो ये गुरु महाराज के चमत्कार हमेशा होते रहते हैं और वैसे तो मैं आपको ये बत, अगर कोई नई संगत जुड़ी है जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रही है तो मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी वैसे तो गुरु महाराज ने बहुत सारे ड्रीम और मैसेज के थ्रू हम लोगों का सबका अच्छा किया ही है लेकिन अगर नई संगत जुड़ी है तो मैं अपना जर्नी एक बार और स्टार्ट करके आपको बताऊंगी कि मेरी लाइफ में 2019 से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत खराब थी बहुत थी। खराब थी ख़राब इन द सेंस कि मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था जो कि गुरु महाराज ने मेरा डिप्रेशन दूर करके मेरी जिंदगी को बहुत नेगेटिव से पॉजिटिव लेके आए हैं मैं गुरु महाराज बहुतों की बहुत बीमारियां, बहुतों के बहुत दुख काटते हैं मेरे गुरु महाराज ने यही दुख का कर्म काटे हैं कि गुरु महाराज ने मेरा जो सोचने समझने का जो नेगेटिव थॉट्स थे वो पॉजिटिव में कर दिए तो अब मैं सबके लिए प्यार से सोचती हूँ जब आप प्यार देते हो तो आपको प्यार मिलता है और सच में गुरु महाराज से मिलने का मैं पिछले साल अब गुरु महाराज से जुड़ी हूँ तो मेरा ये साल बहुत अच्छा गुजरा था और इस साल मैं गुरु महाराज से फिर से मैं ऐसे बड़े मंदिर इसलिए जाऊंगी कि इस साल मैं गुरु महाराज से पूरे साल का शुक्राना करने जाऊंगी थर्टी फर्स्ट दिसंबर को कि गुरु महाराज शुक्राना जो आप मेरी ज़िंदगी में एक साल पहले आए और आपने मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियां भर दी और अगर छोटे मोटे छोटे मोटे थोड़े बहुत अप एंड डाउन आते रहते हैं तो वो तो हमारे कर्मास होते हैं वो भी हमें गुरु महाराज झेलना सिखा देते हैं तो सभी संगत को मैं यही कहूँगी आज मैं बहुत लंबा सत्संग नहीं कर पाऊँगी मैंने आंटी से भी कहा कि आ, मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थी मैं हमेशा कुछ आजकल बहुत बिजी होने लगी हूँ वो भी गुरु महाराज की मर्जी है पर बिना गुरु महाराज की मर्ज़ी के मैं यहाँ बैठ भी नहीं सकती थी और आपके साथ जुड़ भी नहीं सकती थी लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आईज एटीट्यूड भी गुरु महाराज सबका दूर कर देते हैं मुझे तो लगता है जिनको भी एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम थी या जिनको भी डिप्रेशन या जो भी चीज़ें गुरु महाराज हर हर एक इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं जिसको जो प्रॉब्लम है आप मांगो नहीं लेकिन ये चीज़ तो जरूर मांगो कहते गुरु महाराज कहते हैं मांगो नहीं मानो ये पैसे वैसे तो नहीं मांगने चाहिए कि हमें ये मिल जाए ये सक्सेस मिल जाए गुरु अगर किसी का दिमाग अगर ख़राब है जैसा मेरा खराब था तो ये ज़रूर मांग लो महाराज से कि महाराज प्लीज़ मेरा दिमाग ऐसा ठीक कर दो इतना पॉजिटिव ले आओ कि घर ही हमारा मंदिर बन जाए और गुरु महाराज ने बहुत हद तक जिस हमारे घर में जो इतनी नेगेटिविटी फैली थी इतनी नेगेटिविटी फैली थी कोई किसी को देखना तक पसंद नहीं करता था आज वो सब एक साथ बैठते हैं आज वो एक साथ समझते हैं और सब पूरा फैमिली मिलके अगर हम ये प्लान कर रहे हैं पूरी फैमिली हमारी बहुत बड़ा खानदान है कि हम गुरु महाराज के जाएंगे तो गुरु महाराज ने तो एक से मुझे से मुझसे मेरी डॉटर से स्टार्ट किया था धीरे धीरे वो तुम्हारे तो पूरे परिवार को ब्लेस करते जा रहे हैं और सबका विश्वास एक दिन मुझे पता है मेरे घर का छोटा छोटा बच्चे भी गुरु महाराज के सब दीवाने हो जाएंगे फैन हो जाएंगे हम हम सब तो गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा है गुरु महाराज पे आप सब भी सत्संग सुना कीजिए सबका बिजी शेड्यूल रहता है लेकिन सत्संग जरूर सुनना चाहिए सत्संग सुनने से हमेशा हमें कभी ना कभी हमें अपने आंसर्स जरूर मिलते हैं मैं भी सत्संग पहले जब लॉकडाउन का टाइम था मैं बहुत सत्संग सुनती थी लेकिन अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो कम सुनती हूँ लेकिन गुरु महाराज को जो सत्संग मुझे सुनाना होते हैं वो गुरु महाराज ज़रूर सुना देते हैं परसों ही एक, एक आंटी का सत्संग आ रहा था गुरु नाल शायद मौजा में था या कौन से पेज पर पे तो मुझे याद नहीं है आ, नाम भी आंटी का याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा अपसेट हुई थी और मैंने उनका जैसी जो जो बातें मेरे दिमाग में चल रही थी एग्जैक्टली exactly, मैंने ऐसे ही फेसबुक ऑन किया और फेसबुक जैसे ही ऑन किया वैसे ही वो सत्संग आ रहा था तो वो आंटी वही कह रही थी जो कि उनके पहले वर्ड ही यही थे कि जो जो आप कराते हैं गुरु महाराज कराते हैं गुरु महाराज के बिना आपका एक पत्ता भी नहीं हिलता है वो जो भी स्टार्टिंग में सत्संग से पहले स्टार्ट बोल रही थी वो मेरे आंसर्स दे रही थी तो ऐसा लगता है कभी कभी जो सत्संग मुझे सुनने होते हैं वो गुरु महाराज मुझे सुना देते हैं और हम मेरे आंसर मिल जाते हैं तो इसलिए सत्संग जरूर जितना हो सके सबको सुनना चाहिए सत्संग में हमेशा किसी ना किसी के आंसर्स छुपे होते हैं हो सकता है मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ मेरे आंसर छुपे हों अगर आप भी एक गलती जो मैंने की है कि मैंने चुपके से चाय प्रसाद में जल प्रसाद मिलाया इसलिए कि सब पॉजिटिव हो आप लोग कभी ये कहा मत कर लीजिएगा क्योंकि गुरु अगर वो चाय प्रसाद किसी ने तिरस्कार किया तो वो हमारे गुरु महाराज की हम खुद इंसल्ट करा देंगे इसीलिए हम बता के डालेंगे कि भाई अब हम जल प्रसाद डाल रहे हैं इससे ब्लेसिंग जिसको पीना है जिसको पीना है वो पी सकता है लेकिन चुपचाप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ था बहुत दुख हुआ था कि उन्होंने चाय प्रसाद का तिरस्कार किया था जल प्रसाद का तिरस्कार किया था तो ये चीज़ हम लोग कभी भी ना करें क्योंकि गुरु महाराज हमारे हैं और गुरु महाराज को जिनको विश्वास दिलाना होगा वो गुरु महाराज देखेंगे हमारा रोल सिर्फ इतना है कि हम गुरु महाराज के बारे में हम हमारे साथ जो कल्याण हुआ हम वो सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है और बाकी जिनको गुरु महाराज जोड़ना चाहेंगे वो गुरु महाराज उन पर कृपा करेंगे वैसे तो सारी सत्संगत ये बात जानती है कि गुरु महाराज के बिना बिना आदेश इनका पत्ता भी नहीं हिलता तो बिना उनकी मर्जी से कोई उनसे जुड़ भी नहीं सकता गुरु महाराज से कनेक्ट होने के लिए हमें आ, मैं खुद कनेक्ट इतने सालों बाद हुई हूँ मैं हमेशा ये मेरे दिन दिल और दिमाग में ये शिकायत रहती है, है कि गुरु महाराज हमें दिल्ली इतना आते थे आपने हमें क्यों नहीं दर्शन दिए शायद मेरे कर्म ऐसे नहीं रहे होंगे कि गुरु महाराज ने मुझे इतनी इतनी लेट अपने अपने साथ जोड़ा महाशिव के साथ मेरा प्रेम बहुत बचपन से था लेकिन गुरु लेकिन गुरु महाराज अगर मुझसे बाद में जुड़े हैं एक साल पहले जुड़े हैं लेकिन अगर मैं गुरु महाराज को नहीं भी जानती थी तब भी मैं महाशिव की भक्त तो महाशिव का मैं पूजा उजा करती थी बहुत ज़्यादा नहीं करती थी तब भी मेरी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो महाशिव मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते थे हमेशा सॉल्व कर देते थे बस मुझे जो मेन सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था डिप्रेशन वाला जिसकी वजह से मैं सुसाइड अटैम्प भी करना चाह कर करना किया भी है तो वो सबसे बड़ा गुरु महाराज ने मुझे में चेंज लाए हैं गुरु महाराज ने मेरा टोटली मेरा दिमाग ठीक किया है और बहुत पॉजिटिव कर दिया है और सत्संग करना मुझे बहुत पसंद है और जब भी मुझे मौका मिले आंटी आई एम सो सॉरी आंटी आप जब बोलते मेरे को बहुत कम टाइम होता है सत्संग मैंने छोटा सा किया नेक्स्ट टाइम मैं बहुत बड़ा करूँगी अगली बार मैं थोड़ा टाइम आपको ऐसे दूंगी कि मेरा बिजी शेड्यूल ना हो मैं फिर से सत्संग करने आपके साथ के बीच में ज़रूर आऊँगी शुक्राना मेरे गुरु महाराज एक बार सभी संगत ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मेरे गुरुजी मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी का लख लख शुक्राना बहुत बहुत सभी संगत को मेरा प्यार सभी संगत को हम एक छोटा सा परिवार हैं जो मुझे एक गुरु महाराज ने दिया है मैं सभी संगत के साथ बहुत मुझे ऐसा लगता है लगता नहीं कि संग जिन संगत से मैं मिली नहीं हूँ मिल मिली तो मैं किसी से नहीं हूँ लेकिन जब भी जो भी संगत मुझसे जुड़ती है मुझे लगता है ये मेरी पूरी फैमिली है बाद में सबके मैसेज मैं ज़रूर पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज और थैंक यू सो मच सारी संगत जो जो भी मुझसे कनेक्ट हुई जो भी मुझसे जुड़ी हैं जय गुरु जी आंटी जय गुरु जी सभी संगत को जय गुरु जी